नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में। एक स्टॉक में आज आपको 1.5% के समथिंग की, ऑलमोस्ट 2% के करीब की गिरावट देखने को मिली है एंड काफी सारे लोगों का कन्विक्शन हिल गया अचानक से कि भैया क्या इस स्टॉक को बेच दें, तेजी कंप्लीट हो गई, बुक कर लें प्रॉफिट। इस तरीके का व्यू बन रहा है, क्या लिटरली इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए और आज जो ये गिरावट है इस गिरावट में कितनी दम है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं आज का हाल बता दूं आपको, स्टॉक अराउंड 533.95 पे ओपन हुआ, 535.95 का हाई लगाया, 518.90 का लो लगाया, 521.15 के लेवल्स पे एनएससी पे क्लोजिंग आ गई है। डेज लो के आसपास स्टॉक बंद होता हुआ दिखा है, लगभग 1.65 करोड़ शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं और एवरेज वॉल्यूम 1.1 करोड़ शेयर्स का है। ये जो एवरेज वॉल्यूम है ये आपके लिए एक बड़े डाटा में, यानी कि 30 से 45 दिन का एवरेज वॉल्यूम होता है। मैं आपके साथ छोटा 1 से 2 दिन का आइडिया बताना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आए कि लिटरली वॉल्यूम्स आए कितने। कल के सेशन में इस स्टॉक में 3.83 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे, 5 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम चल रहा है स्टॉक में वो 2 करोड़ शेयर्स का है। यानी कि अगर आप पिछले 5 से 8 ट्रेडिंग सेशंस का वॉल्यूम देखोगे तो उसके सामने आज वॉल्यूम्स कम ट्रेड हुए हैं, इनफैक्ट ऑलमोस्ट आधे या फिर 70% वॉल्यूम्स ही ट्रेड हुए हैं आज के सेशन में। देखिए वॉल्यूम्स का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हर एक स्टॉक में। वॉल्यूम्स का मतलब कितने ज्यादा लोग इसमें खरीदारी कर रहे हैं और बिकवाली कर रहे हैं। अब स्टॉक में ऑब्वियस सी बात है, जब तेजी बनेगी तो लोग खरीद रहे हैं क्योंकि खरीदने वाला ही तो तेजी करवाता है। जब अपर सर्किट लगता है तो सब बायर्स ही होते हैं और जब स्टॉक ऊपर जा रहा है दैट मींस लोग खरीद के इसको कैरी कर रहे हैं, डिलीवरी परसेंटेज बहुत मैटर करती है। वहीं अगर कोई बेच रहा है दैट मींस स्टॉक नीचे आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है इसीलिए आ रहा है। अब आज जो वॉल्यूम्स हैं क्या वो कल से ज्यादा है? कल कितने थे? 3.83 करोड़, नहीं है कल से ज्यादा। कल कितनी तेजी हुई थी स्टॉक में? बढ़िया तेजी हुई थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या आज की गिरावट मैटर करती है? नहीं करती है, सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि कल तेजी हुई थी अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ, अच्छे नंबर्स के दम पर आज गिरावट हुई है, मार्केट में डिप है, प्रॉफिट बुक आ गया है। परसों जिसने खरीदा था फ्राइडे को उसने आज बुक कर लिया, सिंपल। बाजार की गिरावट में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। अगर आपका दिमाग कह रहा है आपने भैया 420 430 पे या नीचे के लेवल्स पे खरीदा, आपका दिमाग कह रहा है अब बुक कर लो, 25% पैसा बन गया, बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। देखिए बड़ा पैसा बनाने के लिए रुकना पड़ता है और रुक ही तो नहीं पाते आप लोग और हम लोग। रिटेल इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम ही है कि अच्छे स्टॉक को बेच देना है। अभी करेंगे क्या? टाटा मोटर्स बेच के कहीं और पैसा लगा देंगे जो चल ही नहीं रहा है? ये तो गिरा हुआ है, ये नहीं चला भी, ये चलेगा और वो चलेगा भी नहीं। टाटा मोटर्स 520 वाला 550 हो जाएगा, फिर कहोगे अब यार इससे अच्छा तो वही रहता। तो यहां आपको करना क्या है? होल्ड करना है। तो क्या इतना होल्ड कर लें कि रिवर्स हो जाए, हमारा पैसा भी चला जाए, प्रॉफिट भी चला जाए? नहीं जी, आपको करना है ट्रेल। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब होता है मैंने कोई चीज 100 रुपए पे खरीदी 110 के टारगेट के साथ, 95 के स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉक हो गया 110 का। अब मुझे जो 95 का मेरा स्टॉप लॉस था उसे बढ़ाकर 100 रुपीज यानी मेरी बाइंग प्राइस पे लेके आ जाना है। बाइंग प्राइस पे मैं स्टॉप लॉस ले आया यानी कि मुझे लॉस नहीं हो सकता। आपको लगता है ब्रोकरेज का तो 101 कर दो, 1 रुपया आप वहां भी कमा लो, अब आपका ब्रोकरेज भी खत्म। अब 110 से हो गया 115, आप स्टॉप लॉस 105 पे कर दो, फिर 115 से 120 हो गया तो वहां पे जो लेवल बन रहा है ना उस लेवल का स्टॉप लॉस रखना। अंधे मन से मत स्टॉप लॉस रखना। ये लेवल कैसे बनता है? देखिए स्टॉक चलता है जब तेजी में तो उसका एक सबसे सिमिलर चार्ट पैटर्न होता है, वो होता है हाइयर हाइज लोअर लोस का चार्ट, हाइयर हाइज एंड लोअर हाइज का चार्ट पैटर्न। ये क्या होता है? देखिए मान को चलो 100 रुपए से स्टॉक चला, 110 का हाई लगाया, नीचे आया तो 105 तक आएगा, ऊपर गया 115 गया, अब नीचे आएगा तो 108 तक आएगा। यानी प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेगा लेकिन हाई को हर बार करेगा। तो आपको हर बार प्रीवियस लो का स्टॉप लॉस रखना है, ये आपको चार्ट पैटर्न फॉलो करना है जब भी आप किसी तेजी के स्टॉक को प्ले कर रहे हो। अब आते हैं दूसरी तरीके से। दूसरी तरीके से स्टॉक चलता है, कंसोलिडेट करा 3-4-5 दिन, वन साइडेड एक साथ भाग गया 2-4-5%, 10%, फिर कंसोलिडेट करा 3-4-5 दिन, फिर भाग गया। तो जो वो कंसोलिडेट कर रहा है ना उसका आपको स्टॉप लॉस लगाते चलना है। तो ये तरीका होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस का। अब टाटा मोटर्स की बात करें, ये किस तरीके से चल रहा है? 3 महीने का हाई देखूं भाई तो कंटिन्यू भागा, साइडवेज गया, भागा, अब हल्का डिप कर रहा है। तो जो लास्ट भागा था वो भागा था 400 रुपए से, भाग भाग के आ गया 460 पे, फिर धीरे धीरे ऊपर नीचे होते हुए स्टॉक 480 तक आ गया, 480 से लो लगाया 477 का और फिर भागा और इस बार 530 का ही लगा दिया। तो मेरा स्टॉप लॉस कहां बन रहा है? 477 का। अब इतना लंबा रख सकते हो? नहीं रख सकते, दैट मींस आपने
BTST के रूप में खरीदा हुआ, यानी कि बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए। तो इस बीच में आपका स्टॉप लॉस 506 रुपीस का रख लीजिए, क्योंकि फिर वो जो मैंने 3 महीने का चार्ट खोला था उसे छोटा करके मैंने देखा 1 वीक का। अब 1 वीक में मुझे दिख रहा है बेस अराउंड 505 टू 507 का, तो वो आपके लिए स्टॉप लॉस है। और ट्रेल करते चलिए, बने रहिए। इन्वेस्टर हो कोई स्टॉप लॉस मत रखो, 480 का रखो। क्यों? क्योंकि 480, इनफैक्ट 495 का भी रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 95 के ऊपर ही बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। 495 के नीचे जब तक नहीं जाएगा आपका स्टॉक पॉजिटिव है। 550 और 580 की तैयारी करो। लाइफ आई है 600 का, वो भी स्टॉक जल्दी ही ब्रेक कर सकता है ऐसा दिख रहा है। ऑटो इंडेक्स में वैसी तेजी बन रही है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू, होप आप लोगों को वीडियो समझो पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।